YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और घाटी में जल्द ही मानसून का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन अभी भी कुल्लू में कई ऐसे स्थान हैं जो सालों से वैसे ही खतरा बने हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन हर साल बारिश का मौसम गुजरने के बाद उन स्थानों को दुरुस्त करने की बात करता रहता है, लेकिन अभी तक उन स्थानों को ठीक करने की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी, बंजार घाटी के कई ऐसे संपर्क मार्ग हैं जो थोड़ी सी बारिश में ही कीचड़ से भर जाते हैं और पहाड़ों से मलबा गिरना शुरू भी हो जाता है। पहाड़ों से मलबा गिरने के कारण कई बार सड़क पर चल रहे वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और कई लोगों को इससे चोट भी आई है। प्रशासन भी आपदा प्रबंधन की बेहतरी का हवाला देकर उसे ठीक करने की बात करता है और उसके बाद कोई काम सिरे नहीं चढ़ पाता। कुल्लू जिला में इन दिनों फोरलेन का काम भी प्रगति पर है, जिस कारण जगह जगह पर पहाड़ों को काटा गया है। ऐसे में पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों और भूस्खलन को रोकने के लिए अभी तक कोई बढ़िया इंतजाम नहीं किए गए हैं। जी हाँ, आगामी जो हमारा मानसून सीज़न है, जो बारिश बरसात का जो सीज़न है, उसमें उसको लेके जो जिला आपदा हमारा जो प्राधिकरण है, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसकी जो एक बैठक है जो कि हर प्री मानसून बैठक जिसे कहा जाता है, वो बैठक डीसी महोदय की अध्यक्षता में और सभी उपमंडलाधिकारी नागरिक कुल्लू के जो चारों SDMs हैं और उसके अलावा जितने भी हमारे नोडल डिपार्टमेंट्स हैं, खासकर हमारा PWD विभाग है, IPH है या बिजली विभाग है, उन सब उच्च अधिकारियों के साथ एक व्यापक बैठक हो चुकी है, जिसमें आने वाले मानसून सीजन को लेकर पूरी तैयारियाँ कर ली है।